हेलो, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में P0 से लेकर P6 तक, देयर मींस P0 टू P6 सेवन प्रॉपर्टीज आर देयर। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम P1, नॉट फ्रॉम P0। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम P1, प्रॉपर्टी 1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्चुअली पहले तो प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों है। प्रॉपर्टी जो है आपकी डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा इजी बना दें, तो इनको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल काफ़ी इजी बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये है कि देखिए, अगर आपका कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, अगर उसी सेम फंक्शन विल नॉट चेंज, ओनली द वेरिएबल चेंजेस, इवन देन योर आंसर विल रिमेन सेम। देखिए, हमने एफ एक्स डी एक्स की जगह यहाँ एफ टी डी टी कर दिया। फंक्शन इज सेम, ओनली द वेरिएबल इज चेंज, नथिंग एल्स इज चेंज, ओनली द वेरिएबल इज चेंज, इवन देन द इंटीग्रेशन विल रिमेन सेम। आप क्या है कि इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। आप अगर सपोज दीजिए, प्रूफ करवाइए, पहले तो मैं सबके प्रूफ करवाऊंगी इसके, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैसे इनको अप्लाई करना है। तो इसमें देखिए, हम मान लेते हैं कि अगर मैं लिमिट ना लगाऊं, लिमिट के बगैर अगर हम करें, तो ये होता है आपका एफ एक्स का इंटीग्रेशन। मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। एंड अगर हम इसको ये एफ टी कर दे डी टी, तो ये एफ टी फंक्शन इज नॉट चेंज, तो इधर भी फंक्शन नहीं चेंज होगा, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज होगा आपका, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे कीजिए, अभी ऐसे इसको ऐसे ही, ये एफ एक्स है। अब अगर आपने लिमिट पुट की ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसके अंदर आपने पुट कर दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, ठीक है। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा ना फिर हमें, तो एक्स अब यहां पर लिमिट थी ये एक्स की, ये ए एंड टी, लेकिन अब हमने टी कर दिया, तो एक्स की जगह ए पुट करिए, तो लिमिट कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू टी है, तो लिमिट विल रिमेन सेम, दोनों सेम है भाई, टी की लिमिट भी वही रहेगी ए टू बी, लेकिन आप एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, टी बी। तो हमारा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ टी डी टी। अच्छा, मैं पहले वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है, पहले उसका प्रूफ करके दिखाऊं। अगर सपोज करिए आपके पास है 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, सोचो कॉस एक्स है, साइन एक्स नहीं लेते, कॉस एक्स लेते हैं, नहीं तो माइनस की फिर गड़बड़ करोगे। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है 0 to π/2, तो ये आ गया साइन पाई बाय टू माइनस साइन जीरो। साइन पाई बाय टू कितना है 1, साइन जीरो कितना है 0, आंसर इज योर 1। तो ये तो था एक्स की टर्म्स में, अभी मैं टी कर देती हूँ, फंक्शन विल नॉट चेंज फंक्शन, ये आपका ये है आपका एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए टू बी। अब मैं वही सेम फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ टी लिखने वाली हूँ, एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, सेम फंक्शन बट इन टर्म्स ऑफ टी, कॉस टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी 0 to π/2, फिर साइन टी की जगह पाई बाय टू, पहले अपर लिमिट साइन जीरो, साइन पाई बाय टू 1 - 0 अगेन 1। तो अगर आपका फंक्शन सेम रह रहा है, फंक्शन इज सेम, ओनली द वेरिएबल इज चेंज्ड, इन दैट केस योर आंसर विल रिमेन सेम। यही चीज समझाई। अब आ जाइए सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इफ द लिमिट्स आर इंटरचेंज, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दीजिए, लोअर को अपर लिमिट बना दीजिए, तो आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि सिर्फ आंसर में साइन का फर्क होगा, देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ साइन। लेट अस नो, लेट ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू, अब पहले हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इंटीग्रेशन है ए टू बी, तो ये क्या आ गया आपका एफ बी माइनस एफ ए। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड में बी टू ए है एफ एक्स, तो इसका होगा आपके पास इंटीग्रेशन आ गया एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स, एंड दिस इज फ्रॉम बी टू ए, तो
ये क्या होगा एफ ए अपर लिमिट को किया माइनस एफ बी. तो इफ वी टेक नेगेटिव कॉमन देन दिस शुड बिकम पॉजिटिव एफ बी माइनस एफ ए एंड दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू दिस योर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स. Let us try to understand this with the help of the example. अगर आपकी lower limit 0, upper limit pi by 2 है, cos x का integration sin x और आपने 0 से pi by 2 लगाया. अभी हमने देखा था ये क्या आया था sin pi by 2, upper limit पहले apply किया minus sin 0. This is 1 minus 0, that is 1. अब हम interchange करें. अगर हम इसकी अपर लिमिट को लोअर बना दें और लोअर को अपर बना दें तो मैं पहले से आपको आंसर बता सकती हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो माइनस वन होगा. अब करके भी देख लेते हैं क्या माइनस वन आता है. साइन एक्स दिस इज पाई बाय टू जीरो, तो दिस इज साइन जीरो, अपर लिमिट इज जीरो माइनस साइन पाई बाय टू. साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई बाय टू इज वन, सो दिस इज माइनस वन. तो जैसे ही आपने अपर लिमिट को लोअर लोअर को अपर किया या साइन इज चेंज. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है लिमिट फ्रॉम ए टू बी, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं फ्रॉम ए टू सी सेम फंक्शन देन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. अब यहाँ पर ये जो हमने लिमिट जो बीच में इंट्रोड्यूस किया है, ये लिमिट जो होगा इट मस्ट लाई बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में ही ये लिमिट आई. अब हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है पहले हमें ये समझना है. देखो इस टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे ये मैं अगर ये फंक्शन इस तरीके से ये फंक्शन ये देखो कि अगर हम यहाँ देखें ये आपका फंक्शन पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है. तो इस तरीके के फंक्शंस में इसकी जरूरत पड़ती है. या फिर ये ये मॉडुलस फंक्शन है आपका x माइनस टू का मॉडुलस है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो इस तरीके से, यानी क्रिटिकल पॉइंट इसका 2 है, 2 के लेफ्ट में इट बिहेव्स इन अ डिफरेंट मैनर एंड इन द राइट साइड ऑफ दिस 2 इट इज बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. तो हम यहाँ से मान लो ये है आपके पास माइनस 2, तो माइनस 2 से लेकर 2 तक तो हम इसको अलग तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, मतलब और अलग लिमिट्स में, अलग तरीके से नहीं अलग लिमिट्स में. एंड 2 से लेकर ये सपोज कीजिए यहाँ पर है कि 4, तो 2 से लेकर 4 तक ये लिमिट्स हम अलग में इंटीग्रेट करेंगे. मीन्स दिस फंक्शन इज बिहेविंग टू द लेफ्ट साइड इन द डिफरेंट मैनर एंड टू द राइट साइड इन द डिफरेंट मैनर. तो अगर ये सपोज करो ये a है, ये b है, तो ये c लाइज इन बिटवीन a एंड b, तो हम माइनस दिस फ्रॉम a टू c हमने इंटीग्रेट करना है पहले लिमिट लोअर लिमिट देन अपर. फिर जब हम ये वाला इंटरवल लेंगे तो इसमें दिस इज द लोअर लिमिट दिस इज द अपर लिमिट, ओके. तो हम इसको दोनों को फिर ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड दिस टू देन वी गेट द टोटल इंटीग्रेशन. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दिस टुगेदर वी कैन स्प्लिट इट. अब ये इसके इक्वल कैसे है, लेट अस डू दैट, लेट मी शो यू दिस. अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, this is a b, then it will be written as f b minus f a, okay. Now come to the right hand side. Right hand side is a to c f x dx plus c to b f x dx. We know the integration of f x is capital F x and the limits are from a to c plus this, again the integration of small f x is capital F x and the limits are now c to b. This is c to b. Now if we open it, apply the upper limit first of all, minus then lower limit f of minus a plus now this f of upper limit b minus f this lower limit c. So you can see this minus this is cancel. Minus c, f of minus c is cancelled with plus of fc. So what is left? Plus of fb minus f of a. And that is equal to your this.
What is this? A to B fx dx. So ultimately this is equal to this. So where there will be any modulus function, we will apply this property there. हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, जो भी वेरिएबल है, ठीक है. तो ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों का सम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स. ये तो इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया. लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका a to b f of a plus b minus x dx. अब मैं इसको प्रूव करना है, ये स्टेबल. तो मैंने क्या किया, ये जो भी है इसको मैंने क्या पुट किया, t पुट कर, पुट a plus b minus x is equal to t. तो a plus b minus t is equal to x होगा. अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, a plus b कांस्टेंट है जीरो, और इसका माइनस dt is equal to dx. तो अब हम यहाँ पर dx की जगह माइनस dt करेंगे. अब इसके साथ ही आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आपने a पुट, तो when x is tending to a, तो t, this implies t क्या होता है, अगर आपने x की जगह लोअर लिमिट ये a पुट कर दिया तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा b. तो t is tending to b. अच्छा, अगर आपने अपर लिमिट b पुट किया, x is tending to b, this implies t is tending to, अब t की लिमिट क्या बनेगी, अगर आपने x की जगह ये b पुट कर दिया तो b माइनस b कैंसिल, a बचेगा, तो t is tending to b. तो अब आपकी जो लिमिट्स बन गई, वो जब आपने x की लिमिट a थी, t की लिमिट b है, ओके, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन. और x की लिमिट जब b थी, अब आपने चेंज करके t की लिमिट a, f of a plus b minus x की जगह हमने क्या पुट किया, t, और dx की जगह आ गया minus dt, ये आया आपका, है ना. अब आपने क्या करना है, इससे अपर लिमिट, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो नंबर टू प्रॉपर्टी थी, कि अगर हम इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, अगर प्रॉपर्टी को अगर इनको इंटरचेंज कर दें तो नेगेटिव साइन आता है, तो हमारा एक माइनस उस प्रॉपर्टी की वजह से है, और एक इसका है, ये आपकी हमने अपर लिमिट को लोअर कर दिया, लोअर को अपर कर दिया, ए टू बी एफ टी डी टी, ओके जी, बाय प्रॉपर्टी टू, ठीक है जी. अब इसके बाद ये प्लस में आ गया, अब हम एक और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, हम वेरिएबल फंक्शन नहीं चेंज करेंगे, एफ रहेगा, फंक्शन में रिमेन एफ, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. आपकी प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर ये आ गया बाय प्रॉपर्टी वन, ये देखिए आपका किसके इक्वल बन गया, ये हमने अल्टी लेफ्ट साइड ये यहाँ से शुरू किया था, ये सॉरी राइट साइड, लेफ्ट में क्या, राइट साइड, राइट हैंड साइड से शुरू किया, मैंने यहाँ से शुरू किया, अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच गए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि हम आ गए राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों आपकी सेम, तो हम आ गए एल एच एस. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो इसी का ही पर्टिकुलर टाइप है, इसी का ही पर्टिकुलर टाइप आपकी प्रॉपर्टी नंबर फाइव है, प्रॉपर्टी नंबर फाइव इसी का ही पर्टिकुलर टाइप है. उसमें क्या किया है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, कैसे, आप ये देखो, यहां पर जो लोअर लिमिट थी ए उसको हमने जीरो जीरो रख दिया, अपर लिमिट बी है उसको हमने नाम चेंज करके ए दे दिया, तो लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट ए, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, आप ये ऐसे याद रखिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो हम ऐसे करेंगे इसको, तो जीरो टू ए एफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, जीरो प्लस ए माइनस एक्स, तो जीरो प्लस ए माइनस एक्स मतलब ए माइनस एक्स, तो दिस इज ए माइनस एक्स डी एक्स. तो ये हमारी किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि आप ये कह लो कि मोस्टली क्वेश्चंस में हमारी ये प्रॉपर्टी यूज होगी, जहां भी लोअर लिमिट में जीरो होगा वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम क्वेश्चन करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, आपकी यही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी. हाँ जी, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, अब इसमें है
अगर 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, यानी कि कोई भी आपकी लिमिट है ऊपर, जो भी अपर लिमिट है, यहाँ लोअर लिमिट मस्ट बी 0, तो आपने क्या करना है, 0 एंड मेक द हाफ ऑफ दिस अपर लिमिट 0 to 1. अगर यहाँ पर सपोज करो 5/2 है, तो यहाँ पर उसका हाफ हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा. 0 to 1 है, तो यहाँ पर 0 to 1/2 हो जाएगा. कहने का एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1, फिर हाफ है लिमिट एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. ओके, तो हमने इसका प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल कैसे है. तो इसमें हमने क्या किया, 0 इसको लेफ्ट साइड को लिया, लेफ्ट साइड को लिया हमने, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिया 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स. प्रॉपर्टी 3 अगर आपको याद हो, तो हमने लिखा था a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स. क्या था इसमें, कि जो c है वो a और b के बीच में, इन बिटवीन c एंड a एंड b, a और b के बीच में कोई c है, ये a और c के बीच, सॉरी a और b के बीच में यहाँ पर c है, तो पॉइंट है, तो a टू c देन c टू b, वही हमने किया. a अगर ये a टू b आपका इंटरवल, तो हमने लिया a टू c देन c टू b. ओके, तो अब यहाँ पर भी a ये 0 है, ये 2 है. अब इसको देखते हैं हमने कैसे यूज किया है. 0 टू a, ये 0 और ये 2a, इसके बीच में a है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 टू a, a से 2, वही चीज किया, 0 a देन a टू 2 बाय प्रॉपर्टी 3 है. तो अब आई हैव कंसिडर दिस वन ओनली, इसको मैंने कंसिडर किया, इसको मैं यहाँ पर. अब इसमें यहाँ पर देखो, इस पार्ट में यहाँ पर ये तो इसके इक्वलाइज है. अब इसमें हमने एक्चुअली 2a माइनस x को यहाँ लिख दिया, यहाँ पर इस वाले को यहाँ लिखा हमने, आई हैव रिटन इट हियर एंड आई हैव टेकन 2a माइनस x इज इक्वल टू t. तो इसका इंडिक आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 माइनस dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस dt. बट वी वेन एवर वी मेक द सब्स्टिट्यूशन वी नीड टू चेंज द लिमिट्स ऑल्सो. अब हम लिमिट्स चेंज करेंगे. लिमिट चेंज करने के लिए पहले आप x की जगह लोअर लिमिट a रख दीजिए, तो 2a माइनस a कितना आ गया, a. तो व्हेन x इज टेंडिंग टू a देन t इज आल्सो टेंडिंग टू a, आप x की जगह 2a रख दीजिए. 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, यानी कि अगर ये 2a है तो t की वैल्यू, अगर x 2 है तो t 0 होगा. लेट अस राइट इट हियर नाउ. अब ये क्या बन जाएगा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ t लिखते हैं तो आपका ये क्या बनेगा, a 2a fx dx की जगह हमारे पास बन जाएगा a की जगह, अगर लोअर लिमिट a ही है t की टर्म्स में, अपर लिमिट जो है वो 0 हो गया, एंड f ऑफ x की जगह, x की x यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी वो भी देखिए आप, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2a माइनस t, 2a माइनस t, यहाँ x है, यहाँ से आपने x कैलकुलेट किया, x इधर चला गया, t इधर आ गया, तो ये आपका dx की जगह माइनस dt, dx, ये जो dx है इसकी जगह आया माइनस, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया बाहर एंड dt. आपकी जो प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंगली a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर आप इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी, वही सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे. ये माइनस, अब ये माइनस एक और लगाया और हमने ये साइन इसका अपर लिमिट लोअर, लोअर की जगह अपर कर दिया, एफ ऑफ टू ए माइनस थ्री डी टी एंड राइट डाउन बाय प्रॉपर्टी टू. ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको हटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस आ गया. ओके, आप इसके बाद बाय योर विच प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वी चेंज द वेरिएबल इंटीग्रेशन डजंट चेंजेस, तो हमने टी की जगह एक्स कर देना, यहाँ भी टी की जगह एक्स, फंक्शन चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टी की जगह वेरिएबल चेंज कर दिया हमने, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया हमने, तो ये आपका, तो अब हम यूज इट इन वन, यूज इट इन वन. यहाँ पर ये देखिए, हमने ये लिया था a से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स, वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है. यूज इट इन वन, यूज इट इन वन, तो आप
आपका वन में यूज किया तो ये है 0 to 2 a f x d x इज इक्वल टू, ये आपके पास 0 to a f x प्लस, और इसकी जगह सिंप्लीफाई करके आया ये 0 to a f of 2 a minus x d x। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रूफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन अब आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो इसी का फर्दर एक्सटेंडेड पार्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6 का। अब इसमें आपने देखा था 0 to 2 a f x d x इक्वल टू 0 to a, हाफ हो गया इस लिमिट का, एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a f of 2 a minus x d x। अगर बच्चों ये देखो, ये दोनों तो सेम है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अगर ये इसी के इक्वल हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए तो ये 2 times 0 to a हो जाएगा। वही चीज लिखी है कि ये 2 times of 0 to a f x d x होगा अगर आपका f of 2 a minus x इज इक्वल टू इसी एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर ये f of 2 a minus x अगर आपका इसके नेगेटिव के इक्वल है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट टर्म बस 0 आएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, 0 to 2 pi sin x dx, ठीक है। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ये फंक्शन है एफ एक्स, अब ये एफ एक्स क्या है आपके पास साइन एक्स, एफ ऑफ 2 a minus x, ये मेरा इसको मैं 2 a मान के चल रही हूँ, ये मेरा 2 a है, ठीक। तो अगर मेरा ये जो 2 a है यानी इसमें वो है 2 pi, तो आपका 2 a minus x यानी साइन ऑफ 2 pi माइनस इसको एक मिनट, दिस इज पाई ऑफ पाई दिस इज पाई माइनस x, तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही हो गया, एफ एक्स साइन एक्स और एफ ऑफ 2 a माइनस एक्स, 2 a क्या था हमारा, ये है 2 a, ठीक है, ये 0, 2 a कितना है पाई के इक्वल में नंबर, तो 2 a माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स सेम आ गए। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 0 to अपर लिमिट हाफ कर दीजिए ट्वाइस करके साइन एक्स डी एक्स लिख, ये बड़ी प्रॉपर्टी, ट्वाइस करके 0 to half लिमिट कर दिया साइन एक्स डी एक्स होता। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर कॉस एक्स होता, अगर ये कॉस एक्स होता, ये मान लीजिए यहाँ कॉस एक्स है, तो फिर क्या होता, 2a कितना है आपका पाई, तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स जो भी होता है माइनस कॉस एक्स, तो एफ एक्स कितना है कॉस एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कितना है माइनस कॉस एक्स, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो यहां पर आंसर डायरेक्ट 0 आएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होगा अगर ये आपका जो फंक्शन है एफ एक्स ये ऑड फंक्शन है और ये ट्वाइस ऑफ 0 to a, यहां पर माइनस ए टू ए है, देखिए लोअर एंड अपर लिमिट, यहां पर 0 to a है, यहाँ 0 हो जाएगा 0 to a f x d x, कब ट्वाइस ऑफ दिस, कब व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन कौन सा होता है, इवन फंक्शन कौन सा होता है, देखो ऑड फंक्शन वो होता है जिसमें f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, ठीक है, जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। लेकिन इवन फंक्शन के लिए अब यहां पर देखिए, जैसे f ऑफ माइनस एक्स रखा तब भी आपका आंसर आएगा प्लस एफ एक्स, माइनस रखें प्लस रखें आंसर हमेशा प्लस ही आएगा, और ऑड फंक्शन में माइनस में माइनस आएगा प्लस वाले में प्लस। अब यहां पर देखिए कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, प्लस कॉस एक्स, तो ये आपका इवन फंक्शन हो गया और ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर मुझे ये निकालना है कि अगर मुझे ये दिया है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन एक्स, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊँ बिकॉज दिस इज एन ऑड फंक्शन, आंसर इज 0, सॉरी हाँ दिस इज एन ऑड फंक्शन आंसर इज 0। लेकिन अगर माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू कॉस एक्स डी एक्स है, अब ये आपका इवन फंक्शन है, तो मैं 0 to 2 times 0 से लेकर पाई बाय टू कॉस एक्स डी एक्स
अब ये प्रूफ इसका, अब देखते हैं इसका प्रूफ कि ये हमने किया कैसे। इसके लिए फिर आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाइए। यहाँ पर देखिए कि माइनस के और ए के बीच में, माइनस ए एंड ए के बीच में, ये माइनस है ये प्लस है, बीच में जीरो आता है कि नहीं। तो हमने ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को ओपन किया है माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को ले लीजिए, इसको नंबर 1 छोड़ो, ये आ गया वाई प्रॉपर्टी 3, वाई प्रॉपर्टी 3 इसको छोड़िए, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को लीजिए। कंसिडर माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, इसमें पुट कीजिए x को माइनस टी, ठीक है, तो डी एक्स कितना आएगा माइनस डी टी। अगर x की जगह माइनस ए पुट करते हैं, लिमिट अगर x माइनस ए है, सॉरी x है माइनस ए, तो अब अगर हम माइनस ए रख दें यहां पर तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाएगा कितना ए। और अगर आप एक्स को जीरो पुट करते हैं तो टी भी आपका जीरो आएगा यहां पर, तो अब लिमिट्स इसमें आ जाएगा माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स चेंज हो गए जब माइनस ए की जगह आ गया ए और जीरो की जगह जीरो ही आया है। एफ ऑफ एक्स की जगह आपने क्या रखा माइनस टी और डी एक्स की जगह आया माइनस डी टी, माइनस मैं इधर बाहर लगा रही हूं माइनस डी टी, ठीक है। ये माइनस आपको आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उस प्रॉपर्टी 2 में इंटरचेंज होती है, जैसे अपर और लोअर लिमिट ये अब्सॉर्ब हो जाएगा, ये कह लो कि एक और नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी बाय प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर वेरिएबल चेंज करेंगे, फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, बाय प्रॉपर्टी 1 जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, ये आया आपके पास। अब हम यहां पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है, इन 1 यूज इन 1, तो ये आ गया माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आया हमारा, यहां पर हमने जो किया है ये अल्टीमेटली किसके इक्वल सॉल्व करके आया, जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब आप ये देखिए अगर ये दोनों सेम हुए तब तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, वही हमने लिखा है कि अगर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स बन गया। अगर ये ऑड फंक्शन हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा, माइनस एफ एक्स आते ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका 0 आएगा, ठीक है। अब हम एक बार ये सारी 8 ज्ञान प्रॉपर्टीज रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.11 विच आर बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम अब सारी प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रल की। पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर आपका वेरिएबल चेंज हो जाता है, अगर वेरिएबल चेंज हो जाता है तो इससे इंटीग्रल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर बना देते हैं, तो नेगेटिव ऑफ द इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस इंटीग्रल को ए टू सी देन सी टू बी, ठीक है। और मोस्टली ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्टली ये जो प्रॉपर्टी आपकी कहाँ अप्लाई होती है, जो आपके क्वेश्चंस मॉडुलस के होते हैं वहां पर ये अप्लाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर आपके पास ये है
a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, और इसका आंसर यही आएगा जो यहाँ पर होगा, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये जो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक पर्टिकुलर टाइप है कह लीजिए, जिसमें क्या होगा कि अगर आपकी लोअर लिमिट जीरो हो जाए, ठीक है, लोअर लिमिट जीरो हो जाए यहाँ पर, मान लो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अगर यहाँ पर एक्चुअली हर बुक में ऐसे लिखा है जीरो टू ए, क्योंकि अब ए और बी अल्फाबेटिकली में ए आता है पहले यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर नीचे ए था ऊपर बी था, अब लेकिन यहाँ पर ए है ही नहीं नीचे, इसलिए इधर ए दे दिया। अदरवाइज प्रॉपर्टी यही वाली है, फोर्थ का ही पर्टिकुलर टाइप है, ठीक है, अब लोअर लिमिट जीरो प्लस ए माइनस एक्स, यानी कि ए माइनस एक्स। और इस फिफ्थ प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी। आप ये कहिए कि बहुत बार ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी, बहुत ज्यादा बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर 0 टू 2 a है, ठीक है, 0 टू 2 a एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू 2 a है, अब अपर लिमिट का हाफ करो a, तो a a लगाकर पहले वाले में एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरे वाले में f ऑफ 2 a माइनस x, और इसी का पर्टिकुलर टाइप है ये, मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपका यही है, अगर सपोज करो ये 2a माइनस x, f ऑफ 2a माइनस x fx के इक्वल आ गया, तो 2 टाइम्स 0 टू a fx हो जाएगा, अगर f ऑफ 2a माइनस x fx के इक्वल है। लेकिन अगर ये जो है f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx के इक्वल होगा, माइनस fx के, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। तो ये लिखा है कि 0 कब होगा, अगर f of 2a minus x is equal to minus fx होगा। तो एक्चुअली हम इसी का ये जो पर्टिकुलर टाइप है, ये वाली प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर टाइप ही हम बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि ये माइनस a टू a fx इज इक्वल टू किसके होता है, ये एक्चुअली आपकी ध्यान रखना, इसमें प्रॉपर्टी में क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, बस लोअर लिमिट में नेगेटिव साइन एक जगह, मतलब दोनों लिमिट्स का साइन अपोजिट है, बस यही है, लिमिट सेम है सिर्फ अपोजिट साइन के साथ है यहाँ। तो फिर क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू एफ एक्स होगा, कब, अगर ये आपका फंक्शन जो है वो आपका फंक्शन, अगर ये डी एक्स लिख रही हूँ, यहाँ भूल गए हैं लिखना, अगर ये फंक्शन क्या होगा, अगर आपका इवन फंक्शन होगा, ठीक है, और ये जीरो के इक्वल होगा अगर ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज हमने एक बारी रिव्यू कर ली हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 7.11 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, आपको cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है, और ये है 0 टू पाई बाय 2। अब जो आपकी प्रॉपर्टी थी कौन सी, जिसमें देखिए ये आपकी एक तरीके से किंग्स प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें आपका 0 टू a f x dx किसके इक्वल होता है, 0 टू a f ऑफ a माइनस x के इक्वल होता है, ठीक है। तो जहां भी वैसे भी डिनोमिनेटर, ये आपकी लोअर लिमिट हमें जहां भी जीरो दिखाई देगी, ठीक है, तो वहां पर हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर ये रैशनल फंक्शन होता तो ये प्रॉपर्टी तब लगती है अगर डिनोमिनेटर चेंज ना हो, लेकिन यहाँ तो अपॉन में वन है, तो हम इसको इजिली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, रैशनल फंक्शन यानी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है तब हम ये प्रॉपर्टी तभी लगाएंगे अगर ये प्रॉपर्टी आपकी डिनोमिनेटर को चेंज ना करे। ओके, चलिए हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स में ये एक्स की जगह क्या लिखना है, ए माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह जो अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दिया, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, अपर लिमिट पाई बाय टू है, तो पाई बाय टू माइनस एक्स।
आप cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बाय 2 है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन आ जाएगा यहाँ पर, और पाई बाय 2 माइनस x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, वैसे भी पावर इवन है ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमने इसको जिसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी बेसिकली इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा i और i ऐड हो गए 2i हो जाएंगे, और क्योंकि दोनों की इनकी लिमिट्स है ये जो वो सेम है, ये देखिए दोनों की लिमिट्स सेम है इसलिए हमने इनको डायरेक्ट एक ही इंटीग्रल साइन में रख लिया है, और पहले आ गया ये cos स्क्वायर x और इधर से sin स्क्वायर x, इसको ऐड किया तो जी क्या आया आपके पास 1 होता है cos square x plus sin square x, तो हमने इसको 1 लिखा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, और ये 0 to pi by 2, तो ये हो गया pi by 4 आपका। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये बिना प्रॉपर्टी के करना होता है यही क्वेश्चन, तो आप कैसे करते, आप करते cos square x में से square हटाने के लिए 1 plus cos double of angle divided by 2 वैसे करके करते, लेकिन जब हमने इसको प्रॉपर्टी से कर लिया तो हमारा ये बहुत ही आसान हो, कर तो हम इसको दूसरे मेथड से भी सकते हैं ठीक है, लेकिन मतलब आइडेंटिटी अप्लाई करके, लेकिन इस प्रॉपर्टी से आसान हो गया। अच्छा जी ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है, इसमें भी यही वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, क्योंकि अब मैंने अभी बोला था कि अगर रैशनल फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी आपकी तब लगेगी अगर डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, तो पहले हम देखें अगर ये डिनोमिनेटर चेंज कर तो नहीं हो रहा, हमने ये a माइनस x, a हमारा पाई बाय 2, तो हमने यहाँ पर x की जगह पाई बाय 2 माइनस x, यहाँ पर भी पाई बाय 2 माइनस x, पाई बाय 2 माइनस x, तो देखो यह साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये जब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई तो आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, पहले भी आपका रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, यहाँ पर भी रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। हाँ तो जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है तो मतलब ये प्रॉपर्टी हमारा काम करेगी, इट शोज इट विल गिव अस द रिजल्ट। अच्छा लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो गया, रूट साइन एक्स था अब ये रूट कॉस एक्स हो गया, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए था, वो हमारा चेंज नहीं हुआ, ये वन जिसने हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया वो होता है नंबर वन, और प्रॉपर्टी के पास व्हाट एवर द आंसर वी आर गेटिंग दैट इज नंबर टू, नाउ वी विल एड दिस वन एंड टू, सो वी आर गेटिंग व्हेन लेफ्ट साइड्स विल आर being added, so it is giving us 2i, and because the denominator is same, we can directly add the numerators also, root sine x plus root cos x, again it is cancelled, we are getting, देखो numerator denominator same हो गए cancel, तो आपका ये क्या आ गया x, sorry one, इसका integration x होता है, आपने limit apply की, तो क्या आ गया आपके पास upper limit minus lower limit करके ये pi by 4 आ गया, तो इसका आंसर भी पाई बाय 4 आया। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है इसमें आपके पास है साइन रेज पर 3 बाय 2 एक्स ऑन साइन रेज पर 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस रेज पर 3 बाय 2 एक्स, अब इसमें भी 0 टू a है, तो वही मैंने जो बोला किंग प्रॉपर्टी a माइनस x अप्लाई करना, ये जो आपकी साइड मैंने लिखी हुई है हम यही प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो पाई बाय 2 माइनस x है तो साइन का कॉस बन जाएगा कॉस का साइन, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हो रहा, सो दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था आपका डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, ऊपर साइन क्यूब आपका ये साइन रेज टू पावर 3 बाय 2 एक्स की जगह कॉस रेज टू पावर 3 बाय 2 एक्स हो जाएगा, आप जब 1 और 2 को इधर ऐड करेंगे तो ये आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और इधर आपका ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और न्यूमरेटर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2i का ये जो 2 है इधर ये 1 बाय 2 हो गया, और ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया आपका, और ये फिर वैसे ही आएगा जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन किए,